सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। बिग बॉस में अपना दम दिखाने वाली अभिनेत्री और कांग्रेस नेता अर्चना गौतम अपने गृह जनपद मेरठ पहुंची, जहां उन्होंने हमारी संवाददाता से खास बातचीत की है। उन्होंने बिग बॉस के सफर के अनुभव को साझा प्राइम टीवी से किया है, साथ ही उन्होंने सलमान खान से शादी पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिग बॉस में चौथे नंबर पर रही मेरठ की अर्चना गौतम, मेरठ पहुंचते ही लोगों ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया है और हमारे साथ में खास बातचीत के लिए अर्चना गौतम मौजूद है, हम इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। अर्चना जी, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मेरठ आए हैं आप, लोगों ने आपका बहुत जोरदार स्वागत किया है, क्या कहना चाहते हैं और कैसा अनुभव रहा वहाँ का? मेरा अनुभव जो रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। ऐसा लगा है कि जैसे कि मैं अपने लाइफ की एक इंस्टीट्यूट में मैं गई हूँ और वहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के आई हूँ अपनी रियल लाइफ में। कुछ डायलॉग भी आपके बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं, क्या डायलॉग है वो जरा हम भी जानना चाहेंगे। देखो, एक तो डायलॉग जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है अपने मेरठ का ही है, भैया ज्यादा मत बोल वरना मारते मारते मोर बना दूंगी। तो दूसरा डायलॉग है, क्या चल रहा है भैया, तो ये डायलॉग मेरे बहुत, छीछा लेदर और फजीता हो गया, और मतलब ये सब डायलॉग मेरे बहुत फेमस हुए हैं। देखिए, बिग बॉस भले ही ना जीत पाई हो लेकिन आपने लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत प्यार मिला है आपको, बहुत कम समय में वो भी। सीरियसली, जब मैं अंदर गई थी बिग बॉस में तो मेरा एक क्षेत्र था, यानी मेरठ था और हस्तनापुर था और बुलंदशहर था, ये क्षेत्र था। जब मैं वापस आई हूँ, बाहर निकली हूँ, इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि सलमान सर ने बोला कि भैया क्षेत्र को छोड़ दो, अब तो पूरा भारत को बोलो ना। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे तो भारत का, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था। जब मैं अब निकली हूँ बाहर तो मुझे भारत के साथ साथ बाहर, भारत के बाहर भी लोगों ने बहुत प्यार किया, तो मैं भारत के लोगों को बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा, बहुत खुशी हो रही है। परिवार वालों ने आपके होर्डिंग लगाए, लोगों से वोट की अपील की है, कितना रोल मानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे परिवार के लिए? बहुत ज्यादा। देखो, उन्होंने जो भी किया, क्योंकि मैं जब अंदर गई थी तो मैं कोई पीआर, मेरा पीआर नहीं था, जो भी किया मेरे परिवार वालों ने किया, चाहे कैसे भी किया, तो मैं ऑफ कोर्स मैं आज जो यहाँ बैठी हूँ अपनी मम्मी के बदौलत, अपने पापा के बदौलत, परिवार के बदौलत हूँ। शायद मेरी मम्मी भगाती नहीं मुझे उस वक्त, तो मैं आज यहाँ पे अपना नाम, मेरा नाम और मेरी पहचान नहीं बन पाती थी, तो मैं अपनी मम्मी को बहुत बड़ी इसमें मानती हूँ। एक समय था, बताया गया है कि आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, वो कैसा दौर था और आज कैसा दौर है? इनकम टैक्स के रेट लगवाओगे ना? हाँ, मुझे पता है। नहीं, मतलब सच में मेरा एक दौर था जब बहुत बहुत ज्यादा तंगी में चल रहे थे, और जैसे अगर मैं बचपन की बात करूँ तो मैं भी एक डब्बक डोल स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, जिसमें मैं बोरा लेके जाती थी और वहीं पे खाना मिलता था। आप सब लोगों को तो पता है क्योंकि आप लोग मेरठ वाले हो, तो मैं ऐसे स्कूल में भी मैं पढ़ी हूँ, फिर वहां से मैं इस गर्ल्स इंटर कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, फिर उसके बाद IMT में पढ़ी हूँ, जिसमें कोएड स्कूल जिसे बोलते थे। मेरा जो घर होता था तो वो 60,000 रुपये मैं निकाल नहीं पा रही थी, तो उस वक्त मैं राजनीति में आई, और राजनीति में आने के बाद फिर मैंने सोचा कि पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है पहले, फिर जनता का दिल जीतना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बिग बॉस में गई और आज मैंने जो सोचा था वही हुआ है, मैंने जनता का दिल जीत लिया। सलमान खान जी ने रोज भी दिया है, क्या कहना चाहते हैं, अगर प्रपोज करते हैं शादी के लिए तो क्या होगा? सपने दिखा रहे भैया मुझे तो, ऑफ कोर्स यार, ये मतलब सच में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता भैया मेरे से भी कितनी अच्छी अच्छी हीरोइनें उनके लाइफ में आई है, गर्लफ्रेंड ऐसा, तो भैया मैं कहाँ, मतलब अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स कौन मना करेगा। अब आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं, राजनीति में भी आप अपनी जो है किस्मत को अजमा चुकी है और बिग बॉस में भी, अब आगे की क्या तैयारियां हैं? आगे की यही तैयारी है कि अच्छी अच्छी फिल्में करनी है और अच्छे से रियलिटी शो करने हैं, जनता को एंटरटेन करना है, और राजनीति में भी अपना करियर जारी रखना है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं लेकिन छूट जाते हैं, उनका मनोबल डाउन हो जाता है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं देना चाहती हूँ कि देखो, मैं जब इंडस्ट्री में गई थी तो 2014-15 में मैं गई थी, और आज 2023 चल रहा है, और अगर हम लोग परफेक्ट तरक्की की बात करो तो मुझे 2023 में एक मुकाम मिला है, उसके बीच में आई थिंक शायद 8 साल या 9 साल हो गए हैं, तो आप सोच रहे मुझे 7-8 साल के बाद तरक्की मिली है। तो अगर आपके बीच में कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव आए तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो 7-8 साल की मेहनत के बाद जब आपका टाइम आएगा ना, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा, तो आपको अपना मनोबल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। राजनीति में दोबारा किस्मत अजमानी आपको? राजनीति तो मैंने छोड़ी नहीं है भैया,
उसी के लिए तो ये सब चीजें पढ़ी है मैंने। पहले मुझे समझना है कि राजनीति है क्या, कैसे होती है, तो उसके साथ साथ वो भी ट्रेनिंग मिली जारी रहेगी साइड बाय साइड में, बट एंटरटेनमेंट भी जारी रहेगा क्योंकि उसी से आज मुझे नाम मिला है, एक पहचान मिली है। प्रियंका गांधी जी के लिए क्या कहेंगे? प्रियंका दीदी के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच दीदी मुझे मतलब मेरा हाथ पकड़ने के लिए मेरे बुरे वक्त में। और सच में ये वादा करती हूँ जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी, कभी आपको धोखा नहीं दूंगी और हमेशा आपका हाथ पकड़ के चलूंगी। तो ये थी हमारे साथ में अर्चना गौतम, जिन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने इनकी मदद की है वो उन्हें भूलेंगी नहीं और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करती हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि अर्चना गौतम आने वाले समय में मेरठ का नाम कितना रोशन करती हैं। मेरठ से अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं राजन सोनकर, प्राइम टीवी।